थोड़ी थोड़ी आई है अपनी मकर संक्रांति के सूरज जल की धूप का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। और जी नाता चल रही है, और जी सर्दी का गुजारा देखी तो अंदर देखे सुबह सुबह सारे चाच मेरे तो भी नजर आएगी तू हर जगह से ना। तुझे गए ने जी दूध लैन, और की ओर ना है दूध ला जाना सी इतने अज नहीं आया। वो जी रोड से कहें जी गड्डी पेंचर, उन्हें फोन किया जी आके दूध लै जाओ इतों। मैं फिर बड़ा टाइम लगना, गड्डी खराब हो गई है। हम दुध लैन गए ने, मैं खलो गई जी दुकान पर, और मैं करा दुकानदारी। और इधर खड़ा जी मुन्नी, एक दस्ताना पाया एक पाया, कोई नहीं ठंड हैगी बड़ी ठंड है। कसमी वेखो धुंधी धुंध, यकीन करो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। बस थोड़ा ही रह गया जी दूध खत्म होने वाला ही है। लैन गए आ जाने उन्हें देर तक, है गाँव है जी तो इन्ना रुझान नहीं है। चलो कोई नहीं, मेहनत आ जाहिर है वो तो करनी चाहिए है। तो जी एक दिन अज होया बुखार, इस वजह तो स्कूल बच्चे में नहीं भेजे। और वैसे भी प्राइवेट छुट्टियां तो बिल्कुल ही नहीं देंगे ना, उन्होंने कहो ना छुट्टियां, कहते नहीं बाजी सानू छुट्टियां की नहीं इजाजत है। फिर यह कि अज नहीं मैं बच्चे भेजे, बहुत ज़्यादा सर्दी इस वास्ते। चलो इतने मैं खड़ी है जिन्हें जी नदीम नहीं आते, जरा कोई दूध लैन आए बच्चे कोई चीज़ लैन आएंगे वो अपना दे देवे। दूध आ गया? हाँ जी तेरे पापा ले आए दूध, माशाल्लाह जी दूध ले आए ने। ये है जी तकरीबन 5 किलो माशाल्लाह दूध है जी। रे भी देखता रहेगा, फिर एक शाम में फिर ताज़ा लै लवेंगे। एक रात को लेता रहा है थोड़ा बहुत बच जाए ना, फिर एक सुबह वेक जाता है। फिर हम जिमें भी क्योंकि कई सुबह सुबह काम से चले जाते हैं ना लोग, वो फिर सुबह सुबह जरूरत होती दूध की भी लै जाते हैं। हम जिमें दूध आया है, हम जिमें जिमें गाहक आएंगे अपना ले जाएंगे। तो जी नदीम हूँ खड़ो गए ने बहर, मैं क्या पतीला धो के ना वो ही पा दें, फिर उतने बहर रख देवे। और जिम्मे घर दे कमरे सफाई ना, बिस्तर पानी डोले आ जी पिछे जिमें सर्दी के नाल ना बिस्तरे हाथ लाओ तो आवे ठंडे बिस्तर अपना लह लाने ला के रख के एक साइड से इतने करके पकी मंजी से। और जी चल लगाने बस एवं ना सर्दी का करके ना सुबह सुबह भी लोकिंग नहीं होती, तो सर्दी बहुत ज्यादा होंगी है। बिस्तर भी सैट कराया इस वास्ते ना सुबह सुबह ना दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने, समझो कि सारा दिन एवं अल्लाह ताला ने चाहिए तो धुप निकल आएगी, अगर नहीं तो फिर एवं रहेगी शाम का ऐसा आ गया। चलो जी जाहिर सर्दी का दिन वा फिर ऐसा ही, और हर सर्दी में जिमें कहते जी एर की बहुत ज़्यादा सर्दी पई, एर की बहुत ज़्यादा सर्दी पई, और पता नहीं साढ़े वर्गे ज़्यादा लगती है कि असं हूँ बुढ़े हो गए हैं कि सर्दी इन्नी ज्यादा है। अल्लाह ख्याल करे लंघ जानी है जी। ये है कि यार कि रमजान शरीफ ना इन्नी ज्यादा ना गर्मी नहीं होएगी, सही होएगा मौसम। अच्छा अभी दिन होंगे जी छोटे छोटे होंगे सी रोजे जो होंगे ना रमजान शरीफ, तो इन्नी कहते होंगे कि एवं जी सर्दी होंगी सी साड़ी मम्मी ने ठाणा ना सारी टाइम उठो रोजे रख लो, यकीन करो एवं जिम्मे हम रजाई च मूह कढ़न ना दिल करता उदो भी एवं से कहना हूँ किमें उठिए अम्मी जी, असं किमें उठिए आखना उठो रोजे रखो नमाज पढ़ो। फिर भाई उठना अम्मी साढ़े ना गर्म पानी पहले कर देना, फिर उठ के वजू कर लो उठ के, फिर गर्म पानी पिया होना जाहिर है जी माँ प्यो के दौर बच्च मजा ही होर सी। बस हूँ माँ प्यो तो यही ने हूँ अपना दौर है, उदो भी चुल्हे ही होंगे सी गैस वगैरह नहीं सी होंगे, चुल्हे बाल के साड़ी मावं ने अम्मी होना ने पानी गर्म कर लेना, उस तो बाद सानू उठाना और रोटी रूटी पका के सारे गर्म करके चाय बना के फिर उठाना, फिर उठो उठ के अपना रोजे रख लो। दी मैं झाड़ू लाए सी, मैं हम जल्दी जल्दी ना बाहर दी ला लो अच्छा मेज ना सामने दुकान आ लिया वा कि मुनीम ना ला के ना मेज बाहर रख दियो लै जानी। हाँ जी ठीक
ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਤੀ ਬੰਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ ਸੁਬਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾੜੋ ਵੀ ਫੜੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰ ਦੀ ਓਏ ਧਰਿਓ ਬਰਤਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਾਂ ਪਤੀਲਾ ਧੋਣਾ ਨਾਲੇ ਚਾਹੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਐਸੇ ਧੋਣਾ ਥੋੜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਵਾਂ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੂਤ ਲੈ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ रहमान तो जी अज बना लगे हैं जी चावल क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है और देखिए अजे दिन कोई नहीं निकलिया ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਏ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲਏ ਸੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ ਚਾਵਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ ਚਾਵਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਰੋੜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ और जी माशाल्लाह मैं चावल धो रही और पानी इन्ना ठंडा ना हाथ नहीं पैंदा क्योंकि दोबारा बार बार मोटर ना चलाई दी जाने का फिर बिल लाएगा ये सुबह का भरिया सी बहुत ज़्यादा ठंडा आया चलो जी मैं चावल तो धोइए ना चावल धो के पानी पाकर रख दें वो भी ठंडा पानी वो हाथ नहीं पैन दिया इन्ना ठंडा पानी मैं कटती भी हाँ जी हूँ आलू छिल छिल के नाले कट्टी आ रही धो के लिए तो मिट्टी बहुत ज्यादा लगी आलू देखो कितने सोने ने लाल लाल नवे आलू है ना बहुत सोने ने धोते हैं फिर भी मिट्टी हैगी मैं चलो एक दोबारा फिर धोवे अच्छी तरह और मैं कट लें इन्हों कट के मसाला वगैरह बनाने लगता है कि दिन निकलेगा कोई धुंद हूं ना हटी है सुबह तो बहुत ज्यादा ही धुंद सी ना हम कुछ है और कट थोड़ा बड़ा मसाला बना लिए भी सारी सब्जी पानी ने जो भिजी हुई है पा पा के पानी बदल किया है तो जी आलू वाले चावल पकाने से फिर नदीम कह लगे थोड़े मटर ही पा लो बिच तो जी हम सब्जी वाले को ले है जी मटर ये देखी पानी ने जो भिजे है ना कि जिमें एवं पानी पाया जिमें स्वाब का काम है पानी ज़्यादा पावे ना फिर वजन ज़्यादा हो जाएगा यो कुछ चलन दिया बस आप बाकी समान तो बन गया है जी आलू भी कट्टे गए ने धो के भी मेल ले आई हैं और प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर सारा कुछ तैयार है जी हम बस अग जला ली है और जी चावल रखने पकने हूँ निकल जाने मटर माशाल्लाह जी अग बल गई है और तड़का रख दिता है मैं चावलों का और मैं कल आगे मसाला कुट लीए अदरक लहसुन हरी मिर्च इन्हें मैं कुट लवान जरा ना उन्नी देर प्याज ब्राउन हो जाएंगे और जी गाजर भी पाई है जी पूरी सब्जी पाई है जी आलू मटर गाजर चावल पुलाओ आलू मटर गाजर पुलाओ जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह जी प्याज ब्राउन हो गए ने और मैं सारा मसाला पा दिए ਰਾਤ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਟਰ ਮਟਰ ਤਾਂ ਬਸ ਖੇਡ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਈਆ ਮਟਰ ਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਚਾਰ ਕੁ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਈਆ ਮਟਰ ਲੈਣੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और एक मैंने पानी दी जाती हाँ जी पाते जी और मटर भुजी गए ने और मैं क्या हूँ मैं पा देव जी गाजर और आलू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये तो भाई थोड़ा जहा गोश्त भी हो जाता ना
स्वाद ही आ जाना। चलो जी ये भी शुक्र है अल्लाह का जी, ये बड़ा जायका बन जाएगा। तो माशाल्लाह जी मसाला भुज गया, ये देखें जी हम मैं पान लगी जी पानी चावलों का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जो हम पानी पकता है फिर पाने जी चावल। थोड़ी थोड़ी आई है पनीर लकड़ा सुखा रहा के सूख जाए धूप के अंदर। हाँ जी ये मम्मा कह रहे हैं ना धूप पे सुखा लो, थोड़ी थोड़ी आ रही है। रहमान रहीम तो जी चावलों का पानी पक चुका है, तो मैं कहूँ चावल पाने हैं और जिनी के धुप आ रहा जिन्ना चिकर तुम लकड़ियाँ सुखानी है ना उन्ना चिकर धुप चल जानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि लकड़ियाँ लैके आए ना अज बुटके बहुत गिले आ, तो फिर बाहर पे होंगे तरेल पी है ना तो गिले हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी चावल बन गए हो गए जी तैयार। आलू है गोभी है वो सब्जी वाला आया जी हूँ, तीन बज गए ने हूँ आया सब्जी वाला, फिर देर ही होनी सी जाके सब्जी वाले को मैं जाके ना आप जाके ले जी मटर। तो आज जिस बहन भाई ने खाने हैं जी चावल आलू मटर गाजरा वाला पुलाव। लकड़ा ना सुकने पाओ धुप नहीं इन्नी है, घंटा का लकड़ी चल जानी है नहीं धुप आई लकड़ा सुका दी है, हम तो इन्नी ठंड हो गई है धुप गई। पाने जी बोरे चे तरेल पाना शुरू हो गई है, बोरे च पा के सारियाँ रख दे बरांडे उधर बैठक के बिच जी। ये सारी आज की वीडियो भैन भाई फिर मिलेंगे अच्छे ब्लॉग लैके। तो साड़ी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। जो जो भी भैन भाई सब पाकिस्तान इंडिया बरौने मलक देखते पे सबन अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़।